कहते हैं कि इंसान के सर पर जब वासना चढ़ती है तो वो इंसान हैवान बन जाता है। अगर यही वासना भूतों के सिर पर चढ़ जाए तो क्या होगा? हमारी आज की कहानी ऐसे ही भूतों पर आधारित है जो अपनी वासना मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक बड़े से घर से शुरू होती है जिसमें आज एक पार्टी चल रही थी। ये घर रोज नाम की एक एक्ट्रेस का था और उसी ने अपने दोस्तों के लिए ये पार्टी रखी थी। रोज के मैनेजर का नाम नॉर्मन था। नॉर्मन सभी मेहमानों से कहता है, आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। रोज ने यह पार्टी इसीलिए रखी है क्योंकि उसकी नई फिल्म हिट हुई है। नॉर्मन की ये बात सुनकर सभी मेहमान तालियां बजाने लगते हैं। और इसी बीच एक लड़का अपने दोस्त से कहता है कि ये रोज की आखिरी हिट फिल्म है। आजकल सभी फिल्मों में साउंड इस्तेमाल होता है लेकिन रोज अभी भी साइलेंट फिल्मों को ही साइन कर रही है। रोज की आवाज अच्छी नहीं है इसीलिए वो साउंड वाली फिल्मों से परहेज करती है। उसके बाद नॉर्मन कहता है, दोस्तों चलो अब स्वागत करते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रोज का। नॉर्मन की ये बात पूरी होते ही सबके सामने रोज आती है। रोज का मासूम चेहरा और उसके गले का नेकलेस सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। रोज साइलेंट फिल्म की एक सफल एक्ट्रेस थी और इस बात का उसे बहुत घमंड था। रोज का घर बहुत बड़ा था। उसके घर के पीछे एक स्विमिंग पूल भी था। रोज के तीन दोस्त उस पार्टी में आए हुए थे जिनका नाम टॉम, विल और एरिक होता है। वो दोस्त भी इस पूल के पास ही खड़े थे और वो उनसे भी आकर मिलती है। तब रोज के पास खड़ा विल उससे कहता है, रोज डार्लिंग मैं मजे लेना चाहता हूँ। ये सुनकर रोज उसे इंतजार करने को कहती है और तभी नॉर्मन उनके पास आकर रोज से कहता है कि स्टूडियो वाले आपसे मिलने आए हैं। उसके ये बात सुनकर एरिक कहता है, जब रोज हमारे साथ होती है तो वो किसी से नहीं मिलती। जाओ जाकर स्टूडियो वालों को विमल और दारू दो। रोज के तीन दोस्तों के तेवर देख कर नॉर्मन वहां से डर कर चला जाता है। नॉर्मन के चले जाने के बाद रोज के तीनों दोस्त पुल के पास बना खुफिया दरवाजा खोलते हैं और फिर चुपचाप उसमें घुस जाते हैं। दूसरी तरफ रोज भी अपने कमरे की ओर जा रही थी। वो अपने कमरे में आकर एक बॉक्स खोलती है जिसमें एक पुरानी सी चाबी थी। इसके बाद वो उस चाबी को उठाकर एक खुफिया दरवाजा खोलती है और फिर वो उसके अंदर चली जाती है। दरअसल रोज के कमरे में जो खुफिया दरवाजा था वो एक तहखाने की तरफ जाता था। अब रोज एक बड़े तहखाने में आ गई थी जहां उसके तीनों दोस्त पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। इस तहखाने तक पहुंचने के लिए दो रास्ते थे, एक रास्ता रोज के कमरे में था और दूसरा रास्ता पुल के पास था। रोज के तीनों दोस्त पुल वाले रास्ते से ही यहां पहुंचे थे। रोज और उसके तीनों दोस्त अक्सर इस तहखाने में आकर मौज मस्ती करते थे। मौज मस्ती के लिए वो बाहर से यहाँ लड़कियां भी लाते थे और आज भी इन लोगों ने दो लड़कियों का इंतजाम कर रखा था। अब हमेशा की तरह रोज अपनी सीट पर बैठ जाती है जबकि उसके दोस्त लड़कियों के साथ मौज मस्ती करने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उनको मजे में देखकर रोज के भी तन बदन में आग लग जाती है। रोज को अपनी आंखों के सामने वासना का खेल देखना बहुत ही अच्छा लगता था और ये बात उसके दोस्त अच्छी तरह से जानते थे। दूसरी तरफ पार्टी में खड़े नॉर्मन को कोई सूचना मिलती है जिसके बाद वो रोज को ढूंढने लगता है। वो उसे ढूंढता ढूंढता उसके कमरे में आ चुका था और वहां आकर उसे लड़कियों की आवाज सुनाई देती है। ये आवाजें उसी खुफिया दरवाजे के पीछे से आ रही थी जिन्हें सुनकर नॉर्मन भी उसके अंदर चला जाता है। दूसरी ओर मस्ती मस्ती में रोज का तीसरा दोस्त टॉमी एक लड़की को मार देता है। उसी समय नॉर्मन तहखाने में पहुंच गया था। उसे देखकर एरिक गुस्से में आकर अपनी गन निकाल लेता है मगर तभी रोज उसे रोककर नॉर्मन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। ये सुनकर नॉर्मन बताता है, स्टूडियो वालों ने फैसला किया है कि अब से वो सिर्फ साउंड वाली फिल्में बनाएंगे इसलिए उन्होंने अपने सभी फिल्मों से आपको निकाल दिया है। उसकी ये बात सुनकर रोज बहुत दुखी होती है। उसके दोस्त उसे संभालने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। अचानक रोज गुस्से में आकर एरिक की गन निकाल लेती है और फिर नॉर्मन के साथ साथ टीना और अपने तीनों दोस्तों को मार देती है। आखिर में जब वो खुद को मारने की कोशिश करती है तो गन में से गोलियां खत्म हो जाती है। इसके बाद वो एक बड़ा सा चाकू उठाकर तहखाने से बाहर जाती है और फिर वो पुल के पास खड़े लोगों से कहती है, मैं नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहकर वो वहीं पर अपना गला काट लेती है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। बहुत सालों बाद आज रोज के घर दो रियल एस्टेट एजेंट आई थी। वो दोनों लड़कियों में से एक का नाम डैनी और दूसरी का नाम मिकी था। इनकी कंपनी पिछले कई सालों से रोज का घर बेचना चाहती थी लेकिन उन्हें कोई भी ग्राहक नहीं मिल रहा था। आज उनकी कंपनी को जैसे ही एक ग्राहक मिलता है तो कंपनी उन दोनों लड़कियों को रोज के घर बेच देती है। कंपनी चाहती थी कि ये दोनों लड़कियां रोज का घर ग्राहक को दिखाए और किसी तरह उसे घर बेच दे। रोज का घर पिछले कई सालों से बंद पड़ा था जिस कारण घर की हर चीज पर धूल और मिट्टी जम चुकी थी। घर देखते देखते उन दोनों की नजर उसी पुल पर पड़ती है जहां पर रोज ने अपना गला काटा था।
थोड़ी ही देर बाद वो दोनों लड़कियां घर की साफ सफाई शुरू कर देती है, क्योंकि घर देखने में काफी गंदा लग रहा था। उन दोनों को पता था कि घर को खरीदने वाला ग्राहक कल तक आ जाएगा, इसीलिए वो उसके आने से पहले पूरे घर को चमकाना चाहती थी। वैसे वो दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि रोज का घर किसी तरह जल्दी से जल्दी बिक जाए और उनकी कंपनी खुश होकर उन्हें इनाम दे। इसी दौरान डैनी पुल के पास आकर सफाई करने लगती है, जहां उसे रोज का नेकलेस मिलता है। उस नेकलेस की खूबसूरती देखकर डैनी काफी हैरान होती है और फिर कुछ सोचकर वो उसे अपने पास रख लेती है। कुछ देर बाद रात होती है और वो दोनों आराम करने का फैसला करती है। इसी बीच डैनी मिकी को वो नेकलेस दिखाकर कहती है, ये मुझे पुल के पास मिला था। तब मिकी उस नेकलेस को ध्यान से देखती है और फिर वो उसे डैनी के गले में पहना कर कहती है, ये तुम्हारे गले में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां दारू पीने लगती है और बीच बीच में बातें भी करती है। पूरा दिन काम करने के कारण वो दोनों बहुत थक गई थी, जिस कारण वो हॉल में ही सो जाती है। थोड़ी ही देर बाद डैनी किसी प्रकार का आवाज सुनकर जगती है। फिर वो हॉल से बाहर आकर देखती है कि पुल में अपने आप पानी चल रहा है। डैनी ने पानी की आवाज सुनी थी और वो पुल में पानी देखकर काफी हैरान थी। अचानक उसके सामने टॉमी की आत्मा आती है और फिर अगले ही पल वो गायब हो जाती है। डैनी ये सब देखकर बहुत डर गई थी और वो भागकर घर में आती है। घर में आते ही उसे एरिक और विल की आत्मा भी नजर आती है। इसके बाद वो जैसे ही भागने लगती है तभी टॉमी उसे पकड़कर चेयर पर बिठा देता है। अब तीनों दोस्त उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हें हमारे साथ तहखाने में चलना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ मौज मस्ती कर सकते हैं। लेकिन डैनी उनकी बात नहीं मानती और तभी वहाँ मिकी आकर उससे पूछती है, तुम किससे बात कर रही हो? दरअसल मिकी वॉशरूम गई हुई थी और उसके बाहर निकलते ही सभी आत्माएं अपने आप गायब हो जाती है। अब डैनी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि इस घर में तीन और आदमी हैं, लेकिन मिकी उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। थोड़ी ही देर बाद मिकी घर के कमरों की तलाशी लेने लगती है। हालांकि उसे डैनी की बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मन में डर सा बैठ चुका था। वो काफी देर कमरों की तलाशी लेती है और इसी बीच वो एक कमरे में थक कर सो जाती है। कुछ देर बाद वो कोई आवाज सुनकर जग जाती है। जब उसके सामने कोई भी नजर नहीं आता तो वो फिर से सोने का फैसला करती है। वो जैसे ही लेटती है तो उसके सामने विल आ जाता है। विल को देखकर वो बहुत डर गई थी और जल्दी जल्दी वो अपने कमरे से भागती है। उसे कमरे के बाहर डैनी दिखती है और वो उसे भी भागने के लिए कहती है। ये दोनों लड़कियां जैसे ही घर से भागने लगती है तो विल और टॉम की आत्मा मिकी को पकड़ लेती है, जबकि डैनी भागकर एक कमरे में छुप गई थी। थोड़ी ही देर बाद टॉमी और विल ने मिकी को तहखाने में कैद कर लिया था। अब एरिक आगे बढ़कर कहता है, हम वासना के भूखे भूत है। उसकी बात पूरी होते ही विल मिकी के कपड़ों पर टूट पड़ा था। अब टीना की आत्मा भी मिकी के पास पहुंच गई थी, क्योंकि वासना के खेल में वो भी हमेशा पार्टनर होती थी। अब एक तरफ एरिक मिकी से जबरदस्ती कर रहा था और दूसरी तरफ विल टीना के साथ लगा हुआ था। इधर डैनी जिस कमरे में छुपी थी वो कमरा रोज का था। उसे जैसे ही तहखाने से मिकी की चीखें सुनाई देती है तो वो भी तहखाने में आ जाती है। तहखाने का हाल देखकर डैनी बहुत डर गई थी। वो जैसे ही वहाँ से भागने लगती है तो टॉमी उसे पीछे से पकड़कर कहता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब तीनों दोस्तों ने दोनों लड़कियों को बंधक बना लिया था। इसी दौरान टॉमी बाकियों से कहता है कि मैं डैनी के साथ अकेले में मजे लेना चाहता हूँ। उसकी ये अटपटी बात सुनकर एरिक और विल पहले तो काफी हैरान होते है, लेकिन फिर उसकी बात मानकर उसे अकेला छोड़ देते है। उनके जाने के बाद जैसे ही टॉमी डैनी के पास आता है तो वो उस पर वार करती है और टॉमी टेबल से टकराकर बेहोश हो जाता है। डैनी जल्दी जल्दी पहले खुद को आजाद करती है और फिर वो मिकी को भी आजाद कर देती है। अब दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी भागकर रोज के कमरे में आ चुकी थी, मगर उनके सामने विल आ जाता है और वो मिकी के पेट पर चाकू से वार करके उसे मार डालता है। अब डैनी फिर से तहखाने में थी और सभी भूखी आत्माएं उसके सामने थी। उन्हें सामने देखकर डैनी उनसे कहती है, इस घर को खरीदने वाला ग्राहक जल्द ही यहाँ आ जाएगा। उसे जब मैं यहाँ नहीं मिलूंगी तो वो सीधा कंपनी के पास जाएगा और कंपनी पुलिस के पास जाएगी। उसकी ये बात सुनकर सभी हंसने लगते है और तभी वहाँ रोज की आत्मा भी आ जाती है। असल में उस घर को खरीदने वाला ग्राहक रोज की आत्मा ही थी। वो खुद ही कंपनी में फोन करती थी और घर को खरीदने की इच्छा जाहिर करती थी और इस तरह रोज और उसके तीन दोस्तों की आत्माएं तहखाने में मौज मस्ती करती थी। कहानी के अंत में तीनों दोस्तों की आत्माएं डैनी पर टूट पड़ती है, जिसके बाद डैनी तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।